से ले ही रहे हैं सारे, तो ये आप अगर मुझे बता देंगे तो उसमें बेहतर है आप ही के और हमारे लिए, वरना एक तरफा हम बोलते चले जाएंगे उससे क्या फायदा है। ऐसे कम से कम ये तो हो जाएगा कि आपका कोर्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्लीज दैट ऑल थिंग्स विच आर डिस्कस्ड इन अ सीरियस मैनर, उनमें तो आपका साथ जरूरी है, ठीक ना। और आपसे भी कई सारी चीजें हम लोगों को भी सीखने को मिल सकती हैं कि कहीं पर हो सकता है हमारा बहुत अच्छा वो ना जा रहा हो। तो अगर आपने किया है पीछे का कुछ भी, जो भी मैंने सारे आपको लगभग सारे टॉपिक्स के जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स डाले हैं कि जो कि आपको हेल्प करेंगे पूरी थ्योरी रिवाइज कराने में, अगर आपके मन में कहीं ये संशय है कि क्या पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका है प्रिपेयर करने का। शॉर्ट न्यूमेरिकल्स का भी आपको आइडिया हो जाएगा और थ्योरी भी आपकी कवर अप हो जाएगी। और अभी तो कल का कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा, लॉन्ग होगा कि शॉर्ट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा भगवान ही जाने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस कोरोना काल ने तो डिस्टर्ब करके रखी हुई हैं। वी कांट से एनीथिंग, बट एटलीस्ट इतना छोटा सा तो रिस्पॉन्स आप लोग दोगे। मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ, आई हैव ज्वाइन 5-7 मिनट तो हो ही गए होंगे, इतना तो बताइए कि वो जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं उनको डिस्कस किया जाए कि नहीं, आगे बढ़ जाया जाए टॉपिक पे, इतना ही तो पूछ रहा हूँ। यस बेटा, जो पिक्स आपको भेजी गई वो तो सारी मिली गई हैं, ठीक ना। तो उसी पर एक ये छोटा ही सा तो सवाल है कि क्या उनको अगर आपने कुछ किया है तो कुछ डिस्कस किया जाए, और उसमें भी आपका हित है कि आपकी थ्योरी और अच्छे से तैयार हो जाए, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत फायदा करेगी, सब्जेक्टिव में भी फायदा करेगी, और एग्जाम ना होने की दिशा में भी बड़ा फायदा करेगी। अभी कुछ कह नहीं सकते हम लोग क्या होने वाला है। चलिए, तो जब कोई आंसर ना दे तो फिर आंसर ये है कि जो आपकी मर्जी हो सो करिए, ठीक है। आगे ही कोर्स में हम बढ़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ तो बेटा डिस्कशन की, वो जब आपका कोऑपरेशन होगा तभी करना उसको, ठीक है। चलिए, तो अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन। तो इन द केस ऑफ द कैपिटल गेन, दो तरीके का कैपिटल गेन है, वन इज द शॉर्ट टर्म, वन इज द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनके लिए है कि जो अगर हमारी कोई फाइनेंशियल एसेट्स हैं तो वो 12 मंथ तक की होल्डिंग में है, देन इट इज शॉर्ट टर्म। इससे ज़्यादा की हो जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। कैपिटल गेन इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ सच एसेट एंड द कंसिडरेशन विच द पर्सन इज गोइंग टू रिसीव और हैविंग टू रिसीव बाई सच एसेट। तो अगर वो फाइनेंशियल एसेट है तो होल्डिंग पीरियड आपके लिए 12 मंथ्स, अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स हैं तो ये कैपिटल गेन आपके लिए पीरियड कितना हो जाएगा, 36 मंथ्स। 36 मंथ्स का पीरियड होगा। 36 मंथ्स के अंदर अगर उस एसेट को आप रीसेल कर दे रहे हो, कंसिड्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इससे अबव पीरियड में अगर आप जा रहे हैं, देन इट इज़ द मैटर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये तो टाइम के हिसाब से है। अब टाइम के हिसाब के बाद में आगे हम लोग जाते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू कंप्यूट इट। तो सीधा सीधा सा है कि द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच यू हैव रिसीव्ड, जो भी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड हो रही है उसमें से, क्योंकि व्हाट इज द कैपिटल गेन, इज द डिफरेंस बिटवीन योर गेन, गेन मीन्स योर कंसिडरेशन, और इस कंसिडरेशन में से जो जो आपके इन्वेस्टमेंट इन सच एसेट कॉस्ट के रूप में जिनको आप जोड़ रहे हो, एज लाइक एक्वायरमेंट ऑफ सच एसेट और एनी इम्प्रूवमेंट इन सच एसेट, ये सारे के सारे आप उसमें से घटा लीजिए, तो जो डिफरेंस बचता है दैट शुड बी द कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन।
अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा हो जाती है और आपका कंसिड्रेशन कम हो जाता है, देन इट इज़ अ कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम पीरियड के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन रिसीव्ड, इसमें से आपको घटाना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच कैपिटल कैपिटल एसेट और एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सच एसेट और एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विथ सच ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र को करने में आपके ऊपर जो भी खर्चे आ गए हों ये भी आप हटा सकते हैं। इतनी चीज़ें आपको हटानी है। जैसे कोई कमीशन ले ले, कोई ब्रोकरेज लग जाए, तो ये आपके लिए वो खर्चे हैं उस ट्रांसफ़र के कारण, इनको भी आप हटा सकते हैं। Then you will find, the capital gain. ठीक, then you will find the capital gain. So finally you can write in the formula capital gain is equal to full consideration minus within the bracket cost of acquisition plus cost of improvement plus any expenditure which is incurred रिगार्डिंग सच ट्रांसफ़र। ये तीन चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। अब इसका सेट ऑफ कैसे होगा ये तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक? यहाँ तक की बात क्लियर? यस बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक की आपकी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो रही है, शॉर्ट टर्म में तो आपका ये सीधा सीधा फार्मूला रन कर जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में क्या होने वाला है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के केस में आपके लिए इंडेक्सेशन की फैसिलिटी होती है, इंडेक्सेशन की फैसिलिटी होती है। जो भी बुक लिए हो इसको खोल लें आप, और बुक में इसका कैपिटल गेन के उस पर चले जाइए आप, और आपको ये इंडेक्स लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक? तो जब आपका लॉन्ग टर्म एसेट हो जाए तो व्हाट इज दिस इंडेक्स? ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जो हमारी कॉस्ट में इफेक्ट आना चाहिए ड्यू टू द इन्फ्लेशन, वो हमने नहीं लिया, वो लोग नहीं लेते। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर अगर आप चलेंगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कोई भी चीज़ आज से हमने 10 साल पहले खरीदी वो 10 लाख की थी, आज बेचने में जा रहा हूँ तो 1 लाख की है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो मेरा कैपिटल गेन 90 लाख आ जाएगा। गेटिंग? लेकिन ये जो पहुँचा हुआ है 10 लाख से 1 करोड़ तक, तो इसके बीच में इन्फ्लेशन का भी कोई बहुत बड़ा रोल होता है, आप एग्री करेंगे? हाँ होता है। 10 साल का पीरियड बहुत बड़ा है जो इन्फ्लेशन के कारण वैल्यू ऑफ मनी पर असर डालता है, तो अगर वो वैल्यू ऑफ मनी पर असर डालता है तो सेल्स के केस में भी डालता है, तो उसको कॉस्ट के केस में भी डालना चाहिए। तो ये जस्टिफिकेशन आपको इनकम टैक्स देता है कि वॉट एवर द इंडेक्स रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स, उससे आप अपनी कॉस्ट वैल्यू को एडजस्ट करिए, ठीक? उससे आप अपनी कॉस्ट वैल्यू को इन्फ्लेट कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। कैसे बढ़ेगी? जिस ईयर में वो एक्वायर हुई, जिस ईयर में वो एसेट एक्वायर हुई, उस समय का कोई इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा, यस? तो उससे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 डिविजिबल के हिसाब से फिर मिल जाएगा कि कॉस्ट इन्फ्लेशन का इंडेक्स का असर आया 1, देन मल्टीप्लाई द कॉस्ट इंडेक्स ऑफ सच ईयर इन विच सच सेल इज गोइंग टू बी इफेक्टेड। जब वो सेल हो रही है वो देखना है आपको, कि जहाँ वो सेल हो रही है वो एरिया वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या पा जाएंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज इन्फ्लेटेड, जो इन्फ्लेटेड जिसमें आपने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को ले लिया, अब इसको घटाइए आप कंसिडरेशन में से फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। इंडेक्सेशन आप लगाएंगे
तो टैक्स का जो रेट है लॉन्ग टर्म का विदाउट इंडेक्सेशन और इंडेक्सेशन में, उसमें फ़र्क आएगा, रेट चेंज होगा। अगर आपने इंडेक्सेशन अप्लाई किया है तो दूसरा रेट होगा, और आपने इंडेक्सेशन नहीं अप्लाई किया लॉन्ग टर्म में तो एक दूसरा रेट होगा। ठीक, इतना केवल फ़र्क है। बाकी इंडेक्सेशन कैसे लगाना है ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, इसका ये फॉर्मूला। ठीक, रेट की बात अभी हम आपसे आगे कर लेते हैं। तो पहले पहले तो हमने ये जाना और ये सीखा कि कैपिटल गेन नाम की चीज़ क्या होती है, ये टाइम के साथ कनेक्ट है, नंबर वन। दूसरी बात ये जानी कि फाइनेंशियल एसेट्स के लिए दूसरा टाइम है और अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए दूसरा टाइम है। वहाँ 12 महीने का होल्डिंग पीरियड है और दूसरी जगह पर 36 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है। फिर ये जाना हमने कि लॉन्ग टर्म की कैपिटल एसेट्स में इंडेक्सेशन अलाउ है, मीन्स कॉस्ट का इन्फ्लेशन अलाउ है, ये आप कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी कर सकते हैं। नोट करते जाइए, ये इंडेक्सेशन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का केस है तो दोनों कॉस्ट में किया जा सकता है, वेदर कॉस्ट इज ऑफ एक्विजिशन और ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी माइनस होने वाली तो ये दोनों वैल्यूज हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो इन दोनों को आप इन्फ्लेट करा सकते हो और उसके बाद में आप उसको अपने कंसिड्रेशन में से लेस कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी आपकी बात होगी। अब कुछ और आगे की बात करेंगे। नंबर वन, अगर कोई एसेट है जो ट्रांसफर होके आ रही है किसी से बाय इनहेरिटेंस और बाय विल, हमने खरीदी नहीं, हमारे कोई बाप दादा दे गए या हमारे बड़े भाई दे गए आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले, इस केस में क्या होगा? जब हमने खरीदी नहीं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या? जैसे बोनस शेयर के केस में आप क्या करते हैं, बोनस शेयर मिला तो फ्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसको जीरो, तो यहाँ आपकी जेब से कुछ नहीं लगा तो जीरो, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो मानी जाएगी जो जिसने आपको विल ट्रांसफर करी उसकी क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी। गेटिंग? आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो मानी जाएगी कि जिसने आपको वो विल ट्रांसफर की या इनहेरिटेंस में आपको मिला, तो अगर उसने एक्वायर किया था तो कितने में किया था, ये आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर इनहेरिटेंस में कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है बाई विल और बाई एनीथिंग। एक बात, दूसरी बात, अगर वो इतनी पुरानी है कि ये आप कॉस्ट इंडेक्सेशन का जो ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ से 100 से स्टार्ट हो रहा है, इसका है बुक तो वो देख ले, तो ये 100 से स्टार्ट हो रहा है और कोई एसेट ऐसी है जो इससे पहले की है और आपको इंडेक्सेशन करना है तो 100 से स्टार्ट होगा, उससे पीछे नहीं जा पाएंगे आप डिवाइड करने के, वो तो स्टार्ट ही 100 से हुआ है। ठीक, अब आप तो आगे बढ़ता चला जा रहा है तो जो आगे की आज की करंट की है वो तो मल्टीप्लाई में फिगर आएगी, डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा आपका। अगर आपका 99 से शुरू हुआ तो 99 में 2000 जब से शुरू हुआ इससे पहले का पीरियड है तो वो आपके लिए 100 हो जाएगा। दो बात हो गई, ये पिछले पीरियड से रिलेटेड एक बात हो गई और दूसरी हो गई कि अगर विल से ट्रांसफर हो। अब जल्दी से, क्योंकि थोड़े समय में ज़्यादा पढ़ने की बात है तो इसके टॉपिक में आप आगे और बढ़ जाइए, यहाँ तक आपको कैपिटल गेन समझ आ गया होगा, उसको निकाला कैसे जाता है वो समझ आ गया होगा और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात समझ आ गई होगी, विल के थ्रू ट्रांसफर हुआ है तो वो बात भी समझ आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। आगे के केसेस में ये है कि किन्हीं केसेस में अगर
ये सारे सारे मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस कर दे रहा हूँ कि अगर किन्हीं केसेस में ये लगे कि खरीदने और बेचने वाले मिल गए, भाई मेरे मैं अगर बेच रहा हूँ तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन बढ़ के आएगा, ठीक 10% है कहीं 20% है, तो अगर ये आएगा मेरे ऊपर और मुझे मान लीजिए कैपिटल गेन 20 लाख रुपए का होने वाला है, तो 4 लाख रुपए मेरी जेब से जाएं, तो इससे अच्छा जो खरीद रहे हैं उसे कहेंगे हम यार ऐसा करो भैया सस्ता ले लो, ये जो 20 लाख का फायदा दिख रहा है ऐसा करो तुम 10 लाख कम पे दिखा के रजिस्ट्री करा लो, तुम्हारी रजिस्ट्री भी कम लगेगी और हमको 20,000 रुपये कम दे देना, उसको बच रहा है, ठीक दोनों पार्टी राजी हो जाए तो कैपिटल गेन को कम किया जा सकता है। इसके लिए आप देखते क्या होंगे कि एक सर्किल रेट निकलता है, ठीक पढ़ते होंगे आप कभी अखबार में या कभी सर्च करिएगा, एक सर्किल रेट नाम की चीज होती है। ये क्या करती है कि ये हर एरिया का गवर्नमेंट ने एक रेट दे रखा है कि ये इसकी रेट है। अब आप किसी को 100 रुपए की चीज 200 रुपए में दे या 20 रुपए में दे दे, ये आपकी इच्छा आपकी चीज है, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन होगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्री और द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, देन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वहां से कैपिटल गेन निकाला जाएगा। अगर ये आपने सस्ते में बेचा है तो ये आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, कोई चीज़ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से 20 लाख की बिकनी चाहिए, आपने 16 लाख में बेच दी, 16 लाख में बेचने के बाद आपको 2 लाख का कैपिटल गेन हो गया, ये जो 4 लाख का डिफरेंस 16 और 20 के बीच का है दैट इज गोइंग टू बी एडेड इन योर इनकम एज कैपिटल गेन और फिर वो टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक आपके एंड पे तो ये होगा, बेचने वाले के एंड पे। खरीदने वाले के एंड पे क्या होगा, खरीदने वाले के एंड पे ये होगा क्योंकि उसने 20 लाख की चीज को 16 लाख में खरीदा है, तो जो स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू है कि मान लो 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए के स्टैंप लगते हैं या 5,000 के लगते हैं, एक इमेजिनरी फिगर हम लोग ले लेते हैं कि 5,000 के लगते हैं, तो 4 लाख का उसने अगर सस्ता खरीदा तो 20,000 रुपये उसके स्टाम्प की ड्यूटी वैल्यू बच रही है, ये उसकी डीम्ड इनकम में जोड़ दिया जाएगा, डीम्ड इनकम, ठीक है उनको फायदा हो गया, ठीक एग्रीगेशन ऑफ इनकम जो आपने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा है उसमें ऐड हो जाएगा। स्पेशल स्पेशल केसेस केवल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी पूरी किताब आपके पास है पढ़िए और उसके बाद कोई क्वेरी आए तो पूछिए, जहाँ जहाँ किताब में आप फंस सकते हैं वो सारे पॉइंट में आपके साथ डिस्कस कर लेगा। तो दो बातें हो गई कि अगर आपका स्टाम्प ड्यूटी के केस में रद्दो बदल आता है तो स्टाम्प ड्यूटी को माना जाएगा, मीन्स वॉट एवर वैल्यू इज फाइनली डिक्लेयर्ड बाय द स्टाम्पिंग ऑफिसर शैल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ सच एसेट विच इज गोइंग टू बी सेल। जो स्टाम्प ड्यूटी ऑफिसर यानी रजिस्ट्री है जब आप कराने जाते हो तो जो रजिस्ट्री अधिकारी है वो जो दाम बताएगा, जिसे आप नॉर्मल भाषा में सर्किल रेट बोलते हो, वो माना जाएगा आपके लिए, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट हो गए कि पीछे से अगर ट्रांसफर होके आ रही है तो क्या करना है, इंडेक्सेशन अगर आपको करना है और पुराने पीरियड की है तो जहाँ से हमारा इंडेक्सेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से इंडेक्सेशन अलाउ होगा। तीसरा, अगर आप ऐसा कोई ट्रांसफर कर दे रहे हैं कि जिसमें कीमतों का हेर फेर हो रहा है, तो वो केस भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, निकाली कैसे जाएगी ये भी डिस्कस हो गया। तो अब थोड़ा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए अब आप जल्दी से वो पेज खोल लीजिए सीता जी, जहाँ पर सेक्शन 54 की बातें स्टार्ट हुई हूँ। सेक्शन 54, हैव यू द बुक? यस इसीता बेटा, हाँ प्लीज हैव यू द बुक?
सेक्शन 54 ये आप निकालिए। तो सेक्शन 54 में वो सारे एग्जेम्पशन हैं कि जो कि ये बोलते हैं आपको कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से क्या क्या आप घटा सकते हैं, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, यानी अपनी इनकम को रिड्यूस कर ले पहले ही, तब किसी हेड में उसे आप दिखाएं फर्दर। ये क्या क्या आप कर सकते हैं ये आपको बता देता है सेक्शन 54। क्लियर? तो प्लीज बेटा उसे निकाल लो, क्योंकि मैं कहीं अभी आउट स्टेशन हूँ तो मेरे पास ऐसा कोई एड नहीं है और नेट के थ्रू मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो प्लीज आप बुक निकाल लीजिए और एक एक हेड उसका केवल मुझे बता दीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। सेक्शन 54 जहां आप कैपिटल गेन खोलेंगे तो उसके बाद सेक्शन 54 स्टार्ट हो जाएगा जहां ये सारी बातें बंद हो रही है। फिर उसमें आगे उसके और होंगे सेक्शन 54F, A, ऐसे कर करके। तो 54 से आप स्टार्ट हो जाइए, या पीछे एक चार्ट दिया होगा एट ए ग्लांस जहाँ पे 54 के सारे डिडक्शन दिए होंगे, उनमें से पढ़ के शुरू हो जाइए तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहला एग्जेम्पशन, आप अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी को बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस ले रहे हैं तो इस कैपिटल गेन को आप बचा सकते हैं। ठीक, ध्यान से सुनते जाइए, रेजिडेंशियल हाउस की अगेंस्ट में रेजिडेंशियल हाउस, रहने वाला मकान आप बेचें और उसके अगेंस्ट में दूसरा रहने वाला मकान आप खरीदें, तो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो ये कैपिटल गेन आप उसमें यूज कर सकते हो, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। शर्तें हैं कुछ, वो शर्तें क्या हैं कि ये जो आपकी नई परचेज है, मतलब जो नया मकान आप लेने जा रहे हैं, ये जो पुराने को बेच के आपकी कैपिटल गेन हो रही है, इससे एक साल पहले से 2 साल आगे के बीच में हो, एक्वायरमेंट और द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो 3 साल लगे, ठीक, इसके बीच में हो, ये इससे ज़्यादा पीरियड ना हो। वो आप भी समझते हैं कि ऐसी फिक्स्ड एसेट को, मकान अकान को खरीदने में एक दिन में तो सौदा होगा नहीं कि बाजार गए और ले आए, कभी आप बात करके आएंगे तो कभी वो पेपर दिखाएगा, कभी सेल एग्रीमेंट होगा, तो इसे टेक अ प्रोसेस। तो अगर मुझे ये पता हो कि मुझे ये अपनी एसेट बेचनी है आज से साल भर बाद, तो हो सकता है कि हम सौदे को ढूंढने चलें और मुझे बड़ी जल्दी मिल जाए और बड़ी जल्दी बातचीत हो जाए, इससे पहले मेरा बिक ना पाए। तो 1 साल प्रायर अगर आपकी ऐसी परचेज है किसी रेजिडेंशियल हाउस की और आप अपना रेजिडेंशियल हाउस बेच रहे हैं, तो ये एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा, और बेचने के बाद के आगे 2 सालों में भी मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो और मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक की तो बात हो गई आपसे, कितना मिल जाएगा, द अमाउंट यूज्ड इन सच न्यू परचेज। मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हो रहा है 50 लाख का और आप जो नया मकान खरीद रहे हैं वो केवल 40 ही लाख का है, तो 10 लाख कैपिटल गेन हो जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा आपके। ठीक, और अगर आप नया मकान खरीद रहे हैं वो 60 लाख का है और पुराना बेच के आपको 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो पूरा कैपिटल गेन आप उसमें एग्जॉस्ट करा सकते हैं, फुल, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा कैपिटल गेन का। हाँ, एक बात और है इसके साथ कि ये जो पीरियड आपको आगे का दिया गया कि जिस डेट में आपकी सेल हो रही है इससे आगे भी 2 साल तक अगर आप खरीद रहे हो तो आपको कैपिटल गेन अलाउ हो जाएगा, अगर ये सुविधा आपको मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी पहले बिक गई और आपके पास पैसा पहले आ गया। तो इसके साथ में एक शर्त है कि इस पैसे को आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, और एक स्पेसिफिक अकाउंट होगा जो कि स्टेट बैंक में खुलेगा,
इसी पर्पस से होगा। कैपिटल गेन रिजर्व अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा वहां पे, और उसमें ये पूरा पैसा आप डाल देंगे, और इसको जब भी टच करेंगे तो इसी पर्पस से टच करेंगे कि आप नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं अगेंस्ट द सेल ऑफ द ओल्ड प्रॉपर्टी, देन ओनली द एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन इज अलाउड। और अगर उस अकाउंट में से आपने पैसा निकाल के किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर लिया, या उस अकाउंट से कोई विड्रॉल हुआ और आप ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये नई एसेट के परचेज के रिलेशन में है, तो जो भी आपका पिछले आपने कैपिटल गेन बचा के रखा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेटा इसको जल्दी से मिला लो जो मैंने बोला है बुक में, और इसके बाद अगर इसमें कहीं पर कुछ आपको चेंज दिख रहा है, कोई बात दिख रही है, तो वो जल्दी से मेरे नोटिस में ले आओ, तो उसको मैं आपके हिसाब से करेक्ट कर दूँ। प्लीज जल्दी से मिला लो। आ जाओ उस पे यार जल्दी से, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ढूंढ लो, जस्ट 1 मिनट। यस बेटा, देख लिया। चलिए दूसरा पॉइंट इसका एग्जेम्पशन का, कि कोई एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट में एग्रीकल्चर लैंड ले लेना, इसमें भी सेम ऐसा ही बिल्कुल अप्लाई होगा। ठीक है, तीसरा एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन 54EC, ये क्या बोलता है आपसे कि जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है, अगर आपको उसको स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन सच कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कैपिटल गेन इनकम, उसको आप एग्जेम्पशन करा सकते हो। और ये सारे के सारे 54 के एग्जेम्पशन केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलाउड है। तो 54EC में आपको दो स्पेसिफाइड कोई सिक्योरिटीज बताइए कि इनमें आप इन्वेस्ट करिए, तब NHAI के बॉन्ड्स में और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड में, इनमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अप टू दी ₹50 लाख ये आपका एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा। ठीक, ये आपका एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा, बट विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम सच सेल इन अ फाइनेंशियल ईयर। सारी बातें अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। विद इन अ 6 मंथ्स फ्रॉम सच सेल इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसके दरमियान ही आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं इन दो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके। तो यहाँ तक की तो एग्जेम्पशंस की बात हो गई, आगे जो एग्जेम्पशन है वो प्रोपोर्शनेट हैं, कुछ प्रोपोर्शंस में अलग होगा, कुछ डिफरेंट डिफरेंट है,
फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देख लें इसको आप, तो फिर चर्चा बेहतर होगी। ठीक, तो अभी के लिए मैं इसमें एक और जो दूसरा पॉइंट है, स्टॉक इन ट्रेड, उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ कि स्टॉक इन ट्रेड ये कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास कैपिटल एसेट से रिलेटेड बिजनेस ही करता है, उसका बिजनेस ही ऐसा है कि जिसमें कैपिटल एसेट उसके लिए नॉर्मल गुड्स ऑफ ऑपरेशन है, यानी जो ये कैपिटल एसेट्स हैं उसके लिए स्टॉक बनती हैं। बड़ा बिल्डर है कोई, तो उसके पास 10, 20, 50, 100 फ्लैट का एक स्टॉक होगा, होगा ना। उसके पास कोई आएगा खरीदने के लिए तो बोलेगा भाई इस लोकेशन में नहीं, ऐसी लोकेशन का मुझे चाहिए, ये मंजिल मुझे नहीं पसंद, मुझे ऐसी मंजिल चाहिए, मुझे ये फेसिंग नहीं पसंद, मुझे ये फेसिंग चाहिए, तो उसे वैरायटी रखनी पड़ेगी। तो ये उसके लिए स्टॉक है, कैपिटल एसेट नहीं है। ऐसे लोगों पे कैपिटल एसेट नहीं लगती क्योंकि तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनके लिए वो बिजनेस इनकम होगी, खरीदना और बेचना, कैपिटल गेन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, जिनके लिए कैपिटल एसेट क्या हो जाए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, देन बिजनेस इनकम। तब अगर किसी के पास कोई कैपिटल एसेट है जो कि स्टॉक इन ट्रेड है, और उसको उसने क्या किया कि वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर ले पर्सनल वाली में, या उसके पास कोई पर्सनल अलग से फ्लैट पड़े हुए हैं दो जो उसके अपने थे, जो उसकी कंपनी के स्टॉक में नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब उसके पास कस्टमर आया तो उसने देखा, बोला वो भाई साहब आपके वो जो उधर भी दो फ्लैट पड़े हैं उनमें से एक मुझे पसंद है और बड़ी अच्छी कीमत मिल रही है, तो उसको लगा यार हम तो रोज़ धंधा करते हैं, एक काम करते हैं ये जो पर्सनल वाला है इसमें से एक इसको बेच देते। तो इस कैपिटल एसेट को आपने अब क्या किया, अगर आप किसी दूसरे को बेच रहे हो और कंपनी के थ्रू बेच रहे हो, तो अब आपने इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। गेटिंग, आपने उसको क्या किया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। आपकी अपनी एसेट थी और उस एसेट को आपको अब ये लगा कि बाजार में डिमांड जो ये मेरे 5 फ्लैट अलग पर्सनल पड़े हुए हैं इनकी ज़्यादा आ रही है, जो मेरे स्टॉक में 8 या 10 पड़े हुए हैं इनकी कम आ रही है, तो यार मुझे अगर बिजनेस को चलाना है, इनके एक्सपेंसेस को मीट आउट करना है और बाजार में बने रहना है, तो बेहतर ये है कि जो मेरे पर्सनल 5 पड़े हैं उसमें से 2-3 हम अपने स्टॉक में ले आएँ, तो लोगों को दिखाएं, तो उस बहाने कम से कम पब्लिक आए तो शायद मेरे बिजनेस वाले भी बिक जाए, होता है ऐसा। तब उसने क्या किया कि वो अपने जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट कर लिया स्टॉक में। अगर उनको उसने स्टॉक में कन्वर्ट किया है और अब वो बेचेगा, तो जिस डेट को कन्वर्ट किया उसने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में उन फ्लैट को, मतलब पर्सनल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, जिस डेट में उसकी बुक ऑफ अकाउंट में वो एज ए स्टॉक एंटर्ड हुए, वो डेट डीम्ड सेल मान ली जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन कैलकुलेशन, क्योंकि वो उसकी कैपिटल एसेट थी। कैपिटल एसेट मतलब इंडिविजुअली टैक्सेबल, बिजनेस में चली गई तब बिजनेस इनकम का सब्जेक्ट बनेगी, और जब बिजनेस इनकम का सब्जेक्ट बनेगी तो क्या होगा, उससे होने वाली इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी। हाँ सर, बिजनेस इनकम होगी क्योंकि अब तो बिजनेस में चली गई। तो अगर वो बिजनेस में जा रही है तो उससे आगे की इनकम बिजनेस इनकम है। ध्यान से समझते जाइए, एक लाइन यहाँ पर आपकी एसेट एक्वायर है, ठीक, यहाँ पर आपकी एसेट एक्वायर है, और यहाँ पर वो बीच में कहीं पर आपके स्टॉक इन ट्रेड में आ गई और सेल उसका हो रहा है बाद में, तो मनी कब रिकवर होगी यार, जब वो एसेट रियलाइज होगी तभी तो सब तरीके के टैक्स कैलकुलेट होंगे। अभी तो मनी रियलाइज नहीं है, एक ने उठाई और अपने ही उसमें स्टॉक में डाल ली,
क्योंकि वो तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका स्टॉक भी देखता है, वो देखेगा कि ये स्टॉक कहाँ से लाए हो, किससे खरीदा है, लाओ दिखाओ। कुछ नहीं भाई साहब, ये मेरी पर्सनल वाली थी, वो डाली है। ठीक, डेट नोट करो किस डेट को ट्रांसफ़र की। हो गया यहाँ तक की बात। तो जब वो रियलाइज होगी, व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी रियलाइज्ड, वट एवर द सम रिकवर्ड, अब यहाँ पे आपको उसको बांटना पड़ेगा कि कितना कैपिटल गेन में गया और कितना बिजनेस इनकम में आया। ये केस अच्छे से समझ लीजिए, अगर कैपिटल गेन पे 10-12 नंबर का क्वेश्चन लिखने को भी आ जाए तो इस पॉइंट को अपनी तरफ से डाल के लिख दीजिएगा। बहुत कम लोग लिखते हैं स्टॉक इन ट्रेड। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड में जा रही है ऐसे और मनी रियलाइज हो रही है, बाद में मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि वो बिजनेस के कारण जब वो बेची गई तो 20 लाख रुपए की बिकी। ध्यान से सुनते जाइए, जब उसने एक्वायर की थी तो 10 लाख रुपए की एक्वायर की थी, 10 साल पहले की थी। तो वो इंडेक्सेशन करके लाया और 3 साल पहले उसने अपने इस बिजनेस के स्टॉक में ले ली थी। ठीक, तो जो 7 साल का इंडेक्सेशन किया, इसके कारण उसके 10 लाख की कीमत बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई, मैं ये मान लेता हूँ 14 लाख तक पहुँच गई। ठीक, तो 14 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच का डिफरेंस बिजनेस इनकम, क्योंकि जो पर्सनल एसेट का रिलीज डे है, जिस डेट पे आप उसकी वैल्यूएशन कर रहे हो इंडेक्सेशन करके, वो बिजनेस की स्टॉक के लिए स्टार्ट डे है, उसका एक्विजिशन है। गेटिंग द पॉइंट? तो रियलाइज हो रही है क्योंकि बिजनेस के थ्रू, तो बिजनेस के थ्रू मिल रहे हैं 20 लाख। बिजनेस की डेट ऑफ एक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू बन रही है। इस केस में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मान लेते हैं 14 डिस्कस की हम लोगों ने, तो 14, तो ये जो 14 आया, 14 से 20 के बीच का डिफरेंस जो है, ये बिजनेस इनकम हो गई आपकी। ठीक, अब 20 लाख रुपए मिल गए आपको। तो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन ऐसे केस में आपकी एसेट का ट्रांसफर कब माना जाए? आपके एसेट का ट्रांसफर वो मान लेंगे अब कि जो आपने बिजनेस में ट्रांसफर की, बिजनेस की भी जो आपने ट्रांसफर की और उससे कॉस्ट ऑफ एडिशन के बीच में जो भी डिफरेंस आपके आ रहे हैं, जो भी इंप्रूवमेंट एडजस्ट हुए, ये आपके कैपिटल गेन में चले जाएंगे। तो इस तरीके से कॉस्ट स्टॉक इन ट्रेड के भी क्वेश्चंस को आपको या प्रॉब्लम्स को ऐसे हैंडल करना पड़ेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और फिर मैं बोलूँगा कि कुछ इनको आप अच्छे से देखें, जिससे कि फर्दर आगे आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर हो पाए। अब काफ़ी कुछ तो मैंने नई बातें डिस्कस कर दी हैं, इन पे थोड़ा थोड़ा काम करिएगा, तब हम लोग का डिस्कशन और अच्छा और हेल्दी हो पाएगा। अब जो मैंने प्रॉब्लम्स डाली हैं उनमें थोड़ी सी एक दो चार को कुछ डिस्कस हो ही जाए, अदरवाइज फिर उनके डालने का कुछ मतलब ही नहीं बचेगा। तो एक ही टॉपिक हम लोग अपना ख़त्म कर लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के 5 प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके थे कल के। उसमें मैंने आपके लिए रिटायरमेंट वाले भी सारे डाल दिए हैं, सैलरी वाले भी सारे डाल दिए हैं, रेजिडेंस के भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए पहले से पड़े हुए हैं, डीम्ड इनकम का भी मैंने कल डाला है, और सेट ऑफ में डिस्कस कर ही चुका हूँ आपके साथ। तो आगे के जो इसमें एक दो प्रॉब्लम्स बच रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के केस में, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, प्लीज ओपन द पिक्स, आप अपनी पिक खोल लीजिए। द नेट वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2000, द डिडक्शन रिप्लेसमेंट में 2000, हाउस टैक्स पेड के अगेंस्ट 6000, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयरिंग द हाउस 40000, इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू 1000, फाइंड द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर, ये निकाल लिया। तो नेट एनुअल वैल्यू आपको वो दे ही रहा है 72000, कोई जीएवी का और पीछे का काम नहीं है आपको। तो एनुअल वैल्यू के बाद आपको सीधे सेक्शन 24 के डिडक्शन अलाउ करने हैं। तो पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% अलाउ कर दीजिए ऑन एनुअल वैल्यू, जो कि 72000 पर बनी।
फिर आप देखोगे इसका टोटल 61,600 बन रहा है। इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल, इन्हें बाकी और एक्सपेंसेस हैं, ये डिडक्टेबल नहीं, कारण प्रीमियम रिपेयर ये सब का कुछ है, ये उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्लियर? एडजस्टमेंट हाउस टैक्स का तब होता है जब हम जीएवी से एनुअल वैल्यू की ओर जा रहे हैं। नो क्वेश्चन टू एडजस्ट दी परसेंट के लिए करना। प्रॉब्लम नंबर 7 मिस्टर रमेश ओज अ बिग हाउस द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच वाज कंप्लीटेड ऑन मे 18 50% of the floor area is let out for the residential purpose on a monthly rent of 22,500. 25% of the floor area is utilized for the purpose of his residence. Okay. Other particulars as follows: municipal valuation है, standard rent है, municipal tax paid है, repair है, interest on loan और repair है, ground rent है, annual charges है, fire insurance है। अब आपको बताना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस केस में अब आपके लिए क्या होने वाला है, आपका जो ये मकान है ये आधा लेट आउट है और आधा कहाँ पर हो रहा है, उसके पर्सनल यूज में। आधा लेट आउट है और आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी में, यही हो रहा है ना? या कुछ और चेंजेस हैं? 50% ऑफ द फ्लोर एरिया इज रेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, तो आधा तो लेट आउट है, ठीक। 1/4 फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस एंड 1/4 फॉर द बिजनेस पर्पस। बिजनेस वाले को आप हाउस प्रॉपर्टी में नहीं टच करें। आधे आधे में तो पहले उसने बटा कि आधा पूरा किराया उठाया और आधा तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम रह रहे हैं चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो जो बिजनेस वाला है वो हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बनेगा। बिजनेस वाला एरिया वो आपको अलग कर देना है, वो बिजनेस में जाएगा। बिजनेस से रिलेटेड उसके जो भी खर्चे और जो भी है वो आप बिजनेस में एडजस्ट कराइए, और उसकी इनकम से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो बिजनेस इनकम का पर्पस बन जाएगा, ठीक। आपके लिए कितना इसमें कैलकुलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग द हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाफ पोर्शन विच इज लेट आउट एंड 1/4 पोर्शन विच इज ओन्ड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। तो जो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया है 1/4, तो जल्दी से इसकी वैल्यू और हम लोग निकालें सारी फटाफट। सेल्फ ऑक्यूपाइड पर आपको कुछ करना ही नहीं होता क्योंकि उसकी होती जीएवी नील, तो आपको ना म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ध्यान देना है, ना स्टैंडर्ड रेंट ध्यान देना है, ना ही कोई म्यूनिसिपल टैक्स है, कुछ भी ध्यान नहीं देना। जीएवी हो गई नील, जीएवी नील तो एवी नील, एवी नील तो 24 का डिडक्शन 30% नील। अब इंटरेस्ट की बात आएगी। इंटरेस्ट के केस में बहुत ध्यान देना है आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में, और ये इंटरेस्ट उसने लिया किस लिए ये भी पढ़ लेना है मुझको। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रिपेयर्स, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केसेस हैं उनमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो इंटरेस्ट की अलाउबिलिटी है, अगर रिपेयर का केस है तो 30,000 तक है, अगर कंस्ट्रक्शन का केस है तो 2 लाख तक है, पर शर्त ये है कि ये कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 30% मतलब 30,000 रुपये तक की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है। 1/4 एरिया उस लोन का इंटरेस्ट का आप निकालें, 1/4 एरिया उस लोन का जो कितना इंटरेस्ट है 3 लाख, तो 3 लाख का 1/4 75,000, 75,000 तक अलाउ नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम रिपेयर के ऊपर इंटरेस्ट अलाउबल है 30,000। तो 30,000
ये आ जाएगा माइनस का, ये माइनस वैल्यू हो गई आपके लिए। अब अगले स्टेप पे आ जाइए आप, हाफ पोर्शन जो रेजिडेंशियल पर्पस से इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें अब आपको क्या ले लेना है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। ठीक, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ही आ जाएगा, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट करके सब निकालोगे तो आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये 6 लाख रुपए है, 6 लाख में आधा लेट आउट है, तो इसका 3 लाख आपके काम का है केवल, 3 लाख, 3 लाख आपके लिए जीएवी बनेगी फॉर द जो आपका लेट आउट एरिया है। इसमें से आधा ही म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ होगा। म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, 80,000, 40 अलाउ कर दीजिए, द रिमेनिंग वैल्यू इज 260, विच इज द एनुअल वैल्यू। अब इस एनुअल वैल्यू में आप डिडक्शन अलाउ करिए, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 260 का 30% अलाउ करिए, 78,000। फिर इसके बाद हाफ ऑफ द इंटरेस्ट लोन टेकन, और एक बात बता दूं मैं आपको, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट की कोई सीलिंग नहीं है, जितना भी आप एडजस्ट करा लें। तो लेट आउट के केस में क्योंकि बीआई इंटरेस्ट 3 लाख है और आधे एरिया लेट आउट है, तो आधा इंटरेस्ट आएगा उसके हिस्से में, तो इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन 150, ये आप डिडक्ट करा दीजिए। तो दोनों को डिडक्ट होने के बाद जो आपका लेट आउट एरिया है उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी 32,000, लेकिन जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया था उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही थी माइनस में 30,000। एक ही बिल्डिंग है तो फाइनल हाउस ऑफ प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 30,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द गिवन केस इज 2,000। क्लियर? अब देख लेता हूँ मैं कि इज देयर एनी टाइम रिमेनिंग। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, इसको जल्दी से, एक भी है तो दो, एक करेंगे केवल, बाकी नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिस्टर विनय जौहरी कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट पोर्शन ऑफ द हाउस फॉर असेसमेंट ईयर गिवन, म्यूनिसिपल वैल्यू 20,000, म्यूनिसिपल टैक्स 4,000, हाउसिंग यूज फॉर सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पज बट लेट आउट 1/4 पोर्शन एट द रेट 400 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 20। अब 2021 का निकलवा रहे हैं आपसे, तो कंपोटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू आपको सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड की निकाल ले जल्दी से। जीएवी कितनी आएगी इसकी, 1/4 लेट आउट है अगर, तो लेट आउट की 1/4 की तो जीएवी नील होगी, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसकी जीएवी नील होगी और इसमें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, तो आपके लिए जो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया है फॉर द टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द फिगर्स इस इफेक्ट इज नल, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं। तो अब हम लोग सीधे सीधे उसको देखते हैं, लेट आउट एरिया, तो लेट आउट एरिया 1/4 है, 1/4 एरिया इन्होंने उठाया, तो इसके म्यूनिसिपल वैल्यू हो गई 4,000। ठीक है, 1/4 5,000 हो गई, ओके 5,000, और रेंट रिकवर्ड कितना है, कितने महीने उठाए, 3 महीने, ठीक 3 महीने उठाए, जनवरी से 20 तक, जनवरी से 20 तक 400 × 3 1,200, तो विच एवर इज़ द ग्रेटर 5,000। यहाँ आपको एक बात है इस पॉइंट में सीखने के लिए, कि इसमें ये दिमाग में मत लाइएगा कि दिस 3 मंथ इज़ ड्यू टू द वैकेंसी, ये वैकेंसी नहीं है, ये क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है कि जनवरी में ही उठाया है इन्होंने, वैकेंसी वो है कि उठता चला आ रहा है और बीच में खाली हो जा रहा है, उठाना ही नहीं था उनको तो उन्होंने जनवरी में उठाया है, सारा खुद इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उसका 1/4 जनवरी में उठाया है, ये वैकेंसी नहीं। वैकेंसी का केस होता तो ये एक्चुअल रेंट ही जीएवी बन जाता, लेकिन ये वैकेंसी का केस नहीं है,
इसमें आपकी जीएबी हायर के फॉर्मूले हिसाब से बनेगी जो कि 5,000 है। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स आपका लेस हो जाएगा 1,000, एनुअल वैल्यू 4,000, और सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया की एनुअल वैल्यू अपने आप ही नीलाई हुई है, तो टोटल एनुअल वैल्यू और द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज 4,000 ही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो कोई भी आपको इससे रिलेटेड बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, कल भी मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो ये, अब तो हमारी मुलाकात आपकी नेक्स्ट वीक होगी, तो जो भी थोड़ी सी बातें उसमें कैपिटल गेन में रह गई हैं वो कवर अप हो जाएं, जो एग्जम्पशन बचे हैं कोई नई बात भी और हो जाए, और एक दो क्वेश्चन ऐसे अपने जो पुराने आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं उनको हम अपनी तरफ से लेते रहेंगे। ठीक है, ओके, देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।